हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं परशुराम महादेव, जो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, और हमने यहाँ से भी लस्सी पी और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं कामली घाट से। यहाँ से हमने सुना है कि भाई 100 किलोमीटर लमसम में जगह है, मतलब आना जाना 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जाएगा, और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। कुंभलगढ़ भी हम जाएंगे, बाकी आगे का हम आपको आगे के ब्लॉग में दिखाएंगे। बाकी बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में, हम दिखाते हैं आप। सो गाइस, आप देख पा रहे हो बाहर का मौसम, कभी बारिश हो रही है तो कभी गर्मी धूप निकल रही है, और बाहर ये काले काले बादल आए हुए हैं। और यहाँ का रास्ता देख पा रहे हो आप, ये कितना शानदार रास्ता है, और ये आप देखिए पूरा एकदम व्यू, बहुत शानदार नज़ारा है, ये देख सकते हो आप। ये देखिए आप, ये नज़ारे देखिए आप, ये देख सकते हो आप, क्या शानदार व्यू है यहाँ का। और हम जा रहे हैं परशुराम महादेव जी, ये रोड बीच का रास्ता है, रास्ते में हम चल रहे हैं, और हम गाड़ी में चार लोग हैं, आप देख पा रहे हो। मैं हूँ, मेरे फ्रेंड हैं, उनके पिताजी हैं, और एक मेरे फ्रेंड हैं पटवारी जी साहब, और हम जाएंगे आज परशुराम महादेव जी, और आपको दिखाएंगे, हमारे ब्लॉग में बने रहे, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ, कितना एंजॉय आएगा, कितना मज़ा आएगा, सारी चीज़ दिखाएंगे आपको, हमारे साथ बने रहे लाइव। गाइस यार, हमने एक रास्ते में तालाब देखा, बहुत ही शानदार यहाँ तालाब भरा हुआ है, देखते हो, मैं आपको बताता हूँ अभी नीचे उतर के, आपको भी दिखाते हैं, देख सकते हो छापली का तालाब है, और ये पूल पूरा भरा हुआ है पानी से। गाइस यार, ये तालाब देख सकते हो, छापली का तालाब है और पूरा भरा हुआ है। ये मैं आपको देखो केकड़ा दिखाता हूँ, ये केकड़ा बैठा है, ये इसके अंदर केकड़ा बैठा है, बाकी आप देख सकते हो गाइस पूरा तालाब भरा हुआ है, शानदार है पूरा, जहाँ जहाँ तक आप देखोगे इतना पूरा तालाब भरा हुआ है। मैं इस तालाब के ऊपर चल रहा हूँ और तालाब पूरा बह रहा है, देखते हो ऊपर रपट चल रही है इसकी, ये देख सकते हो तालाब चल रहा है, ये पानी चल रहा है इसके अंदर लाइव, और ये आप देख पा रहे हो पानी चल रहा है यहाँ पे, आगे नदी चल रही है, क्या शानदार लोकेशन है इसका, क्या व्यू है, ये खजूर है यहाँ पे, और ये इसका व्यू देख सकते हो आप, कितना शानदार व्यू है तालाब का, ये आप देख पा रहे हो, बहुत ही गहरा तालाब है और बहुत ही लंबा तालाब भरा हुआ है पूरा, पूरे में एकदम चारों तरफ पानी पानी है, पूरा मौसम एकदम क्लियर है, आप देख पा रहे हो, जैसा कि ये देख सकते हो आप। यार बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब आज ना घूमने का जो अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है, आनंद आ रहा है, मतलब चारों तरफ मौसम बारिश का हो रखा है और मज़ा आ रहा है, और मिलते हैं आगे, आप बने रहे। अरे हॉर्न हो जा, गाइस आप देख सकते हो बारिश आ रही है बहुत खतरनाक वाली, और यहाँ हाईवे का जो काम चल रहा है डामरीकरण का, कितना खतरनाक धुआं निकल रहा है अंदर से, आप देख ही पा रहे हो इधर, क्योंकि वो जो डामर के ऊपर बारिश गिर रही है, डामर होता है गर्म, और बारिश के जो छींटे पड़ रहे हैं वो ठंडे ठंडे पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से धुआं निकल रहा है, तो पूरा धुआं धुआं हो रखा है, आप देख सकते हो सबका धुआं निकल चुका है, हमारे भी धुएं निकल चुके थे अभी, तो बारिश इतनी तेज थी, दिख कुछ नहीं रहा था, अब यही समझ में नहीं आ रहा था गाड़ी कैसे चला नहीं रही, बहुत धीरे धीरे हम लाए, 20-30 की स्पीड में गाड़ी चला के लाए हैं, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इस जगह को मैं भूलूंगा नहीं कभी, हाथ टूटा हुआ है मेरे इस वजह से। बाकी आप देख सकते हो बारिश बहुत बढ़िया आ रही है, शानदार मौसम हो रखा है, और आगे का मौसम दिखाएंगे आपको, बने रहे हमारे साथ ऐसे ही। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं गोमती, गोमती पे आप ये देख पा रहे हो, यहाँ से कुंभलगढ़ जो है वो 37 किलोमीटर है, चारभुजा 10 किलोमीटर, रणकपुर 69 किलोमीटर, देसूरी 25, पाली 97 और जोधपुर 177, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये पीछे उधर गोमती है, और इसके जस्ट सामने ये होटल है अमरदीप, वहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है, और हम सारे अभी गोमती पहुँच चुके हैं, गोमती से हम अभी आगे जाएंगे, पहले जाएंगे हम कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से हम लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर वहीं जो परशुराम महादेव मंदिर है वहाँ से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ मिलेंगे। अब हमारी ये पूरी टीम है, आप देख सकते हो मेरे साथ हम लोग ये चार लोग आए हैं, हमारी पूरी टीम है, हमारी गाड़ी खड़ी है, हम अभी देसूरी पे, यहाँ देसूरी की जो रोड जा रहा है वहाँ होकर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो रोड टूट चुका है, अभी हम जाएंगे चारभुजा से हम डायरेक्ट इधर ले लेंगे, कुंभलगढ़ की तरफ होकर जाएंगे, और बाकी आप देख ही रहे हो मौसम तो बहुत ही खतरनाक हो रखा है, बाकी मिलते हैं आपको बहुत जल्द आगे, और साहब हमारे साथ हैं, साहब बोल रहे हैं वेल डन, निकलते हैं अभी यहाँ से, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं, अभी लाइव निकलते हैं यहाँ से। हम यहाँ से अभी निकल चुके हैं, ये देख सकते हो आप, ये हम गोमती से यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ से 37 किलोमीटर कुंभलगढ़ है, और वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं,
परशुराम महादेव महादेव मंदिर, तो आनंद आएगा जाने का। बाकी आप बनाए बने रहे हमारे साथ, बताते हैं आपको लाइव। सो गाइज आप ये देख सकते हो महाराणा प्रताप चौराहा जो लिखा है, यहाँ से अभी 17 किलोमीटर दूर है कुंभलगढ़, ये आप देख पा रहे हो महाराणा प्रताप चौराहा। और ये मौसम बहुत ही शानदार हो रखा है यहाँ का, बाहर का मौसम दिखाता हूँ आपको। बारिश आने वाली है और पूरा मौसम खतरनाक हो रखा है और गाड़ियाँ भींगा देगी अपने को, हमारा ख्याल ऊपर रखने में फायदा है कांच। ये आप देख सकते हो शानदार है मेरे ख्याल से, तो बहुत ही बढ़िया जगह है ये। व्यू देखिए आप, व्यू प्राकृतिक नज़ारे बहुत ही शानदार है। यहाँ पे पूरे पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है और लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे कोऑपरेट भी करते हैं। ये आप देख पा रहे हो गांव आ गए हैं और गांव में आज भी यहाँ लोग पुराने रीति रिवाज से चलते, धोती और इन्होंने ये पहन रखा है। ये देखो देख सकते हो गाइज आप कितना आनंद आ रहा है। और मंदिर के बारे में कुछ बता रहे थे हमारे साथ भी, बताइए सर। हाँ मंदिर में मतलब ज्यादातर जंगल में है नहीं, तो एकांत जगह में, एकांत जगह, सही बात, एकांत जगह में बस ईश्वर के प्रति उनका मन लग जाता है जल्दी, सही है, और भक्ति में मन रहता है। भक्ति में पुराने टाइम में क्या है, मोबाइल वोबाइल भी नहीं था, ये सबसे बड़ी चीज है। पुराने टाइम में मोबाइल वोबाइल नहीं था, लोग डिस्टर्ब नहीं होते थे। अब जैसे भक्ति करने निकल गया तो भक्ति करेगा बस, अब तो मोबाइल हो गया, जब भक्ति करवा नहीं रहे लुगाई को फोन आया तो दो पास घर जाना पड़े। सही है, क्या है कि ये मोबाइल भी बहुत डिसएडवांटेजमेंट है, इसको अगर आप सही से यूज करते हो तो अच्छी चीज है, नहीं करते हो तो बहुत गलत चीज है। और बाकी आपको हम प्रकृतिक नज़ारे दिखाते हैं, ये फोन में ही आपको देखा जा सकता है, ये बात भी सही है, तो आप फोन का उपयोग भी करें, हम इसके खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं। आप देखिए कितने अच्छे नज़ारे हैं, आपको घर बैठे फोन में दिख जाएंगे, हम जहाँ से आपके लिए घूम रहे हैं या आपको घर बैठे फोन में दिखेंगे, उसके लिए आपको फोन चलाना बहुत जरूरी, बट फोन उतना ही चलाएं, थोड़ा लिमिट में चलाएं अपने हिसाब से, मन पड़े तो आप दन दन पर चला सकते हैं, जियो पर ही में रेट दे रहा है, 2-2 GB डाटा देता है, खत्म तो करना ही पड़ेगा ना भाई कुछ भी हो। देखो भैंस भी है, ये भैंस यहाँ दूध देती है और फिर ये रोड पे हम बेचने जाते हैं। और आगे देख सकते हो पहाड़ बहुत शानदार आ रहे हैं, नज़ारे बहुत ही बढ़िया बढ़िया पहाड़ आ रहे हैं, नज़ारे बहुत बढ़िया हैं। हम सारी चीज़ कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकते हैं, बट हमारी जो आंखों में कैप्चर हो रखा है, अगर आपको वो फील लेना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, मरुधर की धरती इसको बोलते हैं, राजस्थान की धरती को, यहाँ आपको आना पड़ेगा। यहाँ वाइन शॉप भी आपको मिलेगी खुले में, ये देख सकते हो ये बोर्ड लगे हुए हैं, अंग्रेजी और शराब की दुकान, देसी शराब की दुकान, वाइन शॉप अंग्रेजी में, पेरूनाथ मटका झटका झट सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप शराब के साथ साथ झटके का आनंद भी ले सकते हो। और ये देखो आमच माता का मंदिर है यहाँ पे, यूपी वो लिखा है, ये देखो मुछे वाले भाषा दिख रही है बढ़िया, ये देख सकते हो आप, ये आप देखिए गाइस क्या पहाड़ है और बारिश आ रही है, नज़ारे बहुत बढ़िया बढ़िया है। और यहाँ देख सकते हो क्या घाटियाँ हैं, वादियाँ हैं, मज़ा आ रहे हैं हमारे को, आप भी आइए कभी यहाँ, मस्त बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है यहाँ पर राजस्थान के अंदर घूमने के लिए। और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट पाली डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, आप आइए घूमिए इंजॉय कीजिए। गुजराती लोग भी बहुत आते हैं यहाँ और बहुत बड़ा भाटा आया एकदम, हमको उठाई नहीं पड़ी गाड़ी के नीचे, जी ऊँचा हो गया था, डपाचूक हो गया था। आप लोग आ सकते हो घूमिए मजा लीजिए, अब हम थोड़ा गाड़ी चलाने में ध्यान देंगे वरना हमारी गाड़ी पीछे हो जाएगा। ये देखो रोकड़ा देखिए आप, गोल गोल रोकड़ा ये देख सकते हो, मन को ये बासा देखो पागड़ी पहने हुआ है, हरी हरी बढ़िया लग रही है, पीड़ी पीड़ी थी कौन है। सो गाइस यार देखो पानी कितना भरा हुआ है राजस्थान में, अभी चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ये बड़ा सा डैम बना हुआ है एक समुंदर जैसा, देख सकते हो कितना लंबा गहरा चौड़ा इसका पानी है, बहुत बड़ा तालाब है ये देख सकते हो गाइस आप, आगे थोड़ा सा मोड़ पे ये पूरे पहाड़ है, आम लग रहा है, ये पहाड़ है आम लगे हुए हैं, रोड थोड़ा खराब है, बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, सही बात है सही बात। और ये देख सकते हो आप, ये देखो आप पहाड़ देखो साहब यार, मतलब बाहर का नजारा देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे से, ये देखो आप ये तालाब और ये बाहर के पहाड़ देखो आप, वाह क्या पहाड़ है यार, क्या नज़ारा है, क्या व्यू है, और वहाँ खाना चला रहा है बासा, राम 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 बासा, राम राम बोल रहा है। ये देख सकते हो गाइस पहाड़ देख सकते हो आप, कितना शानदार पहाड़ है,
तालाब बहुत लंबा है, तालाब के बारे में अभी इनको पता चल रहा है दिलावर भाई को। ये बोल रहे हैं अभी तालाब का पता चला अभी इनको कि हाँ तालाब वास्तव में बड़ा है। पहले तो ये बोल रहे थे कुछ नहीं है, तालाब ऐसे ही है तो बच्चे आए। अभी इनको पता चला कि 50 ग्राम एक 500 ग्राम है, जो अभी इनको समझ में आया है। अभी बहुत लंबा तालाब है, आपने भी कहाँ देखा इस तालाब को, 17 किलोमीटर लंबा तालाब है। हाँ, ये पूरे पहाड़ों में फैला हुआ है, देख सकते हो गाइस आप। आगे पहाड़ों में धुंध फैल रही है, मतलब बादल चल रहे हैं नीचे, कितना मजा आ रहा होगा अभी सोच सकते हो, समझ सकते हो आप देख के नज़ारे, कितना आनंद आ रहा होगा हमें। जैसे हमने ऐसी बंद की, ये लारे वाले नहीं खुलेंगे, खुल गए अभी। अभी देख सकते हो गाइस आप पहाड़, नदी नाले पहाड़ दरिया समुंदर सब यही है, राम राम बाजी, राम राम केरिया बेच रहे थे, कई रेट में हो पसारी में, तो घड़ी महंगी हो जाए नी, थोड़ी हस्ती लगानी पड़े, थोड़े में उतर साइड में लू गाड़ी को, आज तक केरिया लेने पड़े। देख सकते हो बच्चे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ, ये हमने भी बहुत खेला है गेम, ये आनंद है जिंदगी के, ये कुछ पल है यहाँ पे। आप देख सकते हो बाबू जी यहाँ केरिया बेच रहे हैं, आम बेच रहे हैं, तो आम बहुत शानदार है। ये आम क्या रेट लगा रहे हो आप, पचास रुपये लगाई, आप नहीं दोगे हमें, आपकी तरफ से नहीं दोगे, एक एक तो खाओ दे हो, खाला है खाला। वाह, बादशाह का दिल बहुत बड़ा है, इन्होंने बोला कि आप खा सकते हो आम का पेड़, देख सकते हो ऊपर इतना बड़ा पेड़ है और नीचे लोग आम बेच रहे हैं, और आम बहुत शानदार है, ये देख सकते हो आप क्या शानदार आम है। और बाबू जी ने हमें ये बोला कि आप ये एक खा सकते हो, आप इन्होंने ऐसा बोला है तो आप खा सकते हो, हमने इन्होंने बोला है तो लो तोलो, आप इधर हमारे आम तोल दिए जाए, ओए मस्ती नहीं करेगा कोई, वरना पकड़ ले जाऊंगा मैं। हाँ तालाब बना रहा है तू, ये देख सकते हो आप इसने तालाब बनाया, ये हम तालाब बहुत बना हुए हैं, इसका नाम दिन्या है। दिन्या क्या कर रहा है, दिन्या बोल बोल क्या कर रहा है तू, देख सकते हो ये अपने लिए तालाब बना रहा है, इसकी छोटी सिस्टर है। और इधर ये पीछे देख सकते हो माँ, यहाँ का ये मौसम देख पा रहे हो आप, और आज हम यहाँ घूमने आए हैं, ये पूरा देख सकते हो आप, कई रेट लगाओ आप दो, अरे अबे तो बादशाह तो 30 केन गया, धीरे 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 थोड़ा धीरे 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 भाई धीरे धीरे, अंटर साइड में जा, तू साइड में आ जा, एक लोग भी जाए के ले लो यार, बढ़िया बाकी बाकी एक किलो तो कही भाई यार, अच्छा आगे तेरे एक किलो का बाटी से किलो तो कम भेजाइयो, एक ऐसे भी वो सब पहले मैंने तोल नहीं आता ही मैं है, हमारा किराना दुकान है, सब दादा बाटे तगड़े बाट यार, तुम तगड़े बाट में नहीं तोल पा रहे हो, अभी तो और कम पड़ रही है, पटवारी साहब। हाँ अब ठीक है, अब इसको रखो, इसको रखो इसके अंदर, और तो लो अब 3 किलो ले, हाँ ये 2 किलो के महाराज लोग आगे हैं, जय महाराज जय महाराज, थैंक यू। केरे लेने गए महाराज की, केरे लेनी, केरे लेनी है, लक्ष्मी तो कहीं नहीं खिलावे, केरिया थाने लेनी पड़ी, लक्ष्मी तो बाप डेट बेच रहा है, तो छोरे छोरे दो फोरा फोरा बच्चा बच्ची आपने लेनी पड़े लाइव केरिया तो प्या दे 8 रुपये किलो, ये मेहनत कर रहे हैं आप कह रहे हो ये लक्ष्मी खिलाएंगे, वाह बात गलत होगी महाराज, आगे तेरे स्प्लेंडर गाड़ी हीरो पुका गाड़ी है, आगे तेरे लक्ष्मी तेरू आस रखो, तो गलत बात है, हम तो कुछ नहीं खिलाने वाले हैं, हम तो खुद खाएंगे, अट नहीं खिला महाराज, अट तो कहीं दाल निकले है आप तो, अटो तो बन नहीं, राम राम चलो अट दाल गल जाओ, ताकि जल्दी तो मगा ही जाओ कहीं पे, धीरे चलो धीरे, वीडियो आ रही था कोई, महाराज की दाल नहीं गली है हमारे सामने, देखो हमारे यूँ है कि भाई हम ऐसे आदमी हैं, देने तो हम किसी को भी दे सकते हैं, पर ऐसे जो फकीर लोग आ जाते हैं ऐसे ही बीच में उठ के हम बोल रहे लक्ष्मी खिलाएंगे, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं रोड के ऊपर, और आप इनसे आस रख रहे हो यार कि ये आपको फ्री में दे, इनके छोटे छोटे दो बच्चे हैं टाबर है, इनके सोच नहीं रहे और बीच में आकर रुक रहे हैं, इनकी मनमर्जी चला रहे हैं, तो मेरे तो आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है, देखो देना चाहिए, ऐसी बात नहीं देना चाहिए, जो लोग आसाई है बेसाए लोगों को देना चाहिए, ऐसे फकीर लोग आते हैं इनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और इनको पैसे बराबर देने चाहिए भाई, इनको कम मत देना पैसे,
पता है ये देख सकते हो गाइस, मैं आपको पार दिखाता हूँ। बाहर जामुन पार जाए देख सकते हो, आम ही आम है यहाँ। देख सकते हो गाइस आप, मौसम में ठीक है यहाँ पे। केरिया पाड़ना मना है, बिल्कुल सर, बिल्कुल मना है, आप ऐसे नहीं पाड़ सकते। केरिया पाड़ना मना नहीं है। सबसे ज्यादा रे यार बेटा, बस में हाथ बजा रही है, जमनी नहीं आ रही है। तो अलग क्वालिटी का रोड है, निकल के बात करो, और फटफट कर ला रही है। हेड तो कूद गया उन्होंने, चप्पल पहरे तो कहानी। अरे भैंस ओ भाईसा, आगे नहीं रखना गई भाईसा, थोड़ा बिपली गाते नहीं बंदा यार बड़े लिखे हैं बताओ।
सो गाइस इधर कुंभलगढ़ फोर्ट है राइट हैंड की तरफ, और लेफ्ट हैंड की तरफ है परशुराम महादेव जी का मंदिर, आप ये देख पा रहे हो चौराहा बना हुआ है यहाँ पे। और इधर है ये देख सकते हो आप, इसको कहते हैं प्राकृतिक सौंदर्य। आप जो देख पा रहे हो प्रकृति के नजारे हैं, ये आपको हर कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, आप आना पड़ेगा राजस्थान के। राजस्थान का कश्मीर है भैया, और राजस्थान का कश्मीर आप देख सकते हो, कांच से थोड़ा विजिबल कम हो रहा है, मैं आपको कांच से बाहर निकाल के दिखाता हूँ, ये आप देख पा रहे हो, ये देखो सारी है, हम कांच चढ़ा देते हैं अभी, वरना क्या है हम भींग जाएंगे। जैसे उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ खिसकते हैं, वैसे राजस्थान के अंदर भी खिसक रखे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। आगे देखिए आप रोड पे बड़े बड़े पहाड़ पड़े हैं, नीचे पत्थर आ चुके हैं, नीचे उतर के दिखाए हैं, पर आपको अभी दिखाएंगे, ये देखो आप देख सकते हो, पर बारिश आ रही है बाहर, ये आपको दिख रहा है कैमरे में, वैसे दिख पा रहा होगा, बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं ऊपर से, बड़े बड़े पत्थर, ये देखो आदमी अगर नीचे आ जाए तो जम्मा ही हो जाए आदमी, जम्मा आज के ये बिल्कुल सही के साथ, ऊपर हरी हरी घास लगी है, ये आज के पत्थर गिरे हुए हैं। और ये देखो भैराम इधर खड़े हैं, मंगरा का नीचे भैराम है, उम्बा आम खा के गुटली फेंक रहा है, और गुटली इसकी निकल जानी है, ऊपर से गुटली अगर गुड़ गई है तो वो वाली बात है, समझते नहीं है भाई लोग। बाकी यार आप देखते रहो, मस्त मस्त नज़ारे हैं, मज़ा आ रहा है, तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है। ये देखो छोटा सा वाटरफॉल चल रहा है, वाटरफॉल
दिस इज झरना, झरने को हिंदी में बोलते हैं वाटरफॉल, इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी, हमको क्या आती है अभी, आती नहीं है बराबर। तो देख सकते हो गाइज कितनी खतरनाक लोकेशन है, परशुराम महादेव मंदिर के पास पहुंच चुके हैं हम, और जंगल सफारी की गाड़ी चल रही है, इन गाड़ी में जंगल सफारी की जाती है और ठुटुर कर रहे हैं, ठिठुर चुके हैं ठिठुर। ओहो क्या पहाड़ है, जैसे कि मैं सच में ओह माय गॉड हिमालय में आ गया हूँ, हिमाचल प्रदेश में आ चुका हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये जो द्वार है, आप अगर कुंभलगढ़ की साइड से आते हो तो ये द्वार आपको राइट साइड की तरफ मिल जाएगा, और इसी द्वार में आपको अंदर लेना है गाड़ी को, क्योंकि इधर परशुराम महादेव जी का मंदिर है, ये आप देख सकते हो, और इसमें कुंभा बाग होटल करके है, वो भी इसी के अंदर है, ये देख सकते हो। ओह बारिश रुक गई, बारिश रुक गई, भगवान का चमत्कार देख पा रहे हो आप, बारिश रुक गई। क्या पहाड़ है, क्या नजारे, जगह हुई जितने बारिश रुकी है, बात पैटर्न है, देख जाओ जैसे गाड़ी खड़ी करते ही पूरा बिल्कुल एक बूंद भी नहीं गिरेगी, एक बूंद नहीं गिरेगी, एक बूंद नहीं, ये बात सही है। तो डैम टैब का मैनेजमेंट 12 बजे सोया से या 12 बजे बाद में, ये देखो सर ये रही कुंभा पैलेस, ये कुंभा बाग होटल है, कुंभा पैलेस जो सर बोल रहे थे, हम सोच रहे थे कि कोई महाराजा का मंदिर बता रहा है, ये देख सकते कुंभा बाग लिखा हुआ भी, लग्जरी रिसोर्ट, ये लग्जरी रिसोर्ट, लग्जरी, ये देखो ये लग्जरी, लग्जरी लग्जरी गाड़ी सुनती हमने तो आज तक, गाड़ी के साथ साथ रिसोर्ट भी आ गया। एक बार मैं और हिताबल खूब खादा हूँ, हमें पेड़ लाग रही हो ये पर हिताबल खूब पा क्या खूब खा रहे हो, बूटा देवल भी आ जाए, बूटा देवल मतलब परशुराम को ये देख सकते हो गाइस, परशुराम महादेव बूटा देवल यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी है, फटा नाम था को नाम देव भाई, देव भाई मारे तेरे मुंह है कि मारे तेरे प्यार नट गया, नटिया के ले जाओ एक माला बस है, बस कहीं आ गए तेरे में सताई बस बस वाह
जय हो बुलाया भैया। सो गाइज आप देख सकते हो हम आ चुके हैं परशुराम मंदिर मार्ग पर, और मैं ये सेकंड टाइम आ रहा हूँ मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ उसके अंदर। मैंने पिछली बार भी बनाया था बट क्या यार उतना मुझे देखो खास कुछ नॉलेज भी नहीं था उतना, और मैं इतना अच्छे से नहीं बना पाया ब्लॉग। अभी भी उतना अच्छे से तो देखो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, बट फिर भी मेरी कोशिश रहेगी मैं थोड़ा अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँ और आप सभी को दिखाऊँ। और आप देख पा रहे हो ये देखिए आप, वो देखिए जंगल पूरा एकदम तालाब भरा हुआ है, पूरा जंगल है एकदम। और यहाँ का जो व्यू है ना, जो व्यू है बहुत ही शानदार व्यू है, बहुत गजब नज़ारे हैं यहाँ के। बाकी आप बने रहे हम आपको और दिखाएंगे पूरे जंगल में। ये देख सकते हो आप ये पूरा जंगल है, ये देखो हमारे हाथ से इन्होंने झपाटा मार लिया। और ये पीछे देखो इन्होंने नहीं लिया, जो चीज़ इनको चाहिए थी वही ली इन्होंने, इन्होंने हमारे हाथ से झपाटा मार के ले लिया है। और क्या खतरनाक तरीके से, ये देख सकते हो आप ये हमारे पे अटैक कर रहे हैं। कितने खतरनाक है, इनको जो चीज चाहिए थी वही ली इन्होंने, बाकी ये माला वाला तो ये ले ही नहीं रहे। छेड़ना मत दादा, हां छेड़ना मत, दे देना अपने चढ़ानी है। हां कहीं पे भी छोड़ो ना भैया। हां ये तो सुनो दिया है, और ये तो चढ़ गई अभी लाइव मेरे वाले चढ़ा दी मैंने ताकि तेरी दी गई। हां मैं धर्म क्यों यार, मैं क्यों नार कटवा। गाइज आप देख सकते हो ये परशुराम महादेव मंदिर है, ऊपर एकदम बाड़ियों में बना हुआ है। यहाँ वीडियोग्राफी करना वैसे अलाउ नहीं है तो मैं चुपके से कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, भगवान माफ करे मुझे। और ये पूरा परशुराम महादेव मंदिर है, इसका व्यू आप देख सकते हो पूरा बहुत ही शानदार व्यू है। और ये परशुराम महादेव मंदिर है, यहाँ वीडियोग्राफी करना वैसे अलाउ नहीं है बट मैं फिर भी कर रहा हूँ चुपके चुपके, माफ करे भगवान। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैनल क्या भाई आप? हाँ चैनल ना।